With 76 selections in CSE 2022, StudyIQ IAS aims at providing high-quality IAS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 live batch के साथ आप CSE exam की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program and the most unique feature, mains residential program where StudyIQ students clearing prelims 2024 will be called to StudyIQ campus at no additional cost. Hello friends, my name is Akriti Sethi. And I have secured All India Rank 249 in this year's UPSC Civil Services exam. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस एस ए की क्या स्ट्रैटेजी रही. इस साल मेरे एस ए में 140 मार्क्स आए हैं विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन दिस ईयर. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स मिले हैं. एवरेज इस साल का है ऑलमोस्ट 115 के आसपास मार्क्स, बट नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में द स्कोर इज़ अराउंड 90, 95 and 100. सो जो डिफरेंस रहा एक 90 स्कोर में और एक 140 स्कोर में, शायद मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे से आपको बता सकती हूँ. तो इससे की स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहला तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम ऐसे का पेपर लिखते हैं इज़ सिलेक्शन ऑफ अ करेक्ट टॉपिक जो भी ऐसे के लिए चाहिए. अब इस साल जो पेपर में आया था वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में आठों के आठों एसेज जो थे वो फिलोसफिकल एसेज थे. और चांस की बात ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोगों ने ऐसे लिखा था वो सब ने मोस्टली सेम टॉपिक्स चूज़ किए थे. वन इज़ अ शिप इन द हार्बर इज़ सेफ बट दैट इज़ नॉट वट शिप इज़ मेंट फॉर. दिस वॉज वन ऑफ द एसे. एंड द सेकेंड इज़ द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ वेन सन इज़ शाइनिंग. ये दो एसेज थे जिन पर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने एसे लिखा था. अब उसमें अनफॉर्चुनेट ये है कि सब ने सेम लिखा होगा, ऑलमोस्ट सेम मिलता जुलता, तो वो मार्क्स डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है. और फॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अगर किसी ने भी कुछ डिफरेंट लिखा है, अच्छा लिखा है, तो उसको अच्छा स्कोर मिलेगा इसमें. एंड आई थिंक आई एम दैट फॉर्चुनेट वन इन दिस पेपर. सो टॉपिक सिलेक्शन के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कंटेंट दैट यू रिक्वायर टू राइट एन एसे. अब एसे के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं है कि हम आज 5 दिन चूज़ कर लें और एसे के लिए पढ़ें सिर्फ. ऐसा मुझे नहीं लगता. एसे की पढ़ाई जो है वो हमारी साथ के साथ होती रहती है. जितना भी कंटेंट और नॉलेज हम जीएस के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं विथ दैट इज़ मोर देन इनफ टू राइट एन एसे. बट अगेन कुछ वैल्यू एडिशंस करनी पड़ती हैं हमें एसे को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्ट्रक्चर. आपकी एक एसे में ऐसा लगता है कि फिलोसफिकल एसे है सो यू डो नॉट हैव मच टू राइट, बट एक्चुअली इट इज़ वाइस वर्सा. अगर फिलोसफिकल एसे में है ना, द विंडो इज़ वाइड ओपन. आप कुछ भी, इट इज़ लाइक अ स्काई, आप कुछ भी लिख सकते हो उस पर, बट इट शुड रिलेट टू द टॉपिक दैट यू आर सेलेक्टिंग. सो अगेन इट शुड हैव अ स्ट्रक्चर. वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि डाइवर्सिफाइड बिट्स एंड पीसेस में आपने कुछ भी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन लिख दी. इट शुड नॉट लुक लाइक दैट. एसे शुड बी अ ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ यू टेलिंग योर थॉट्स, वट एवर यू फील ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे, रिमेंबर दैट ऑलवेज. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फ्लो. द फ्लो इन द एसे शुड बी नेचुरल. आपका एक के बाद एक, जब भी आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, तो एक फ्लो में दिखना चाहिए. ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने ओके सोसाइटल डायमेंशन कवर की, नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डायमेंशन, नेक्स्ट इज़ पोलिटिकल डायमेंशन. इट शुड नॉट लुक लाइक दैट कि आपने बस नेमसेक के लिए कुछ डायमेंशंस ऐड कर दी. एक फ्लो होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका होना चाहिए, ट्रांजिशन कैसे करना है एक से दूसरे टॉपिक और डायमेंशन के बीच में. नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज. आई हैव सीन पर्सनली इज़ कि जितनी भी ज़्यादा हम फैंसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एग्जामिनर को समझने के लिए. सो सिंपल लैंग्वेज जो होती है वो ज़्यादा मार्क्स फेच करती है. मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज नहीं होती है. एक सिंपल लैंग्वेज होती है, ल्यूसिड होती है, क्लियर होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है. नेक्स्ट टू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन जो होता है वो एक एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करता है आपकी तरफ,
आपके ऐसे की तरफ वो मजबूर करता है एग्जामिनर को कि क्यों वो आपके ऐसे पढ़े, और कंक्लूजन एक वो छाप छोड़ के जाता है एग्जामिनर के ऊपर जो मार्क्स एलोकेशन में हेल्प करता है. तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. देन फिलोसफिकल एसेज एस आई डिस्कस्ड कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट UPSC है अगेन, तो हम बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ फिलोसफिकल एसेज ही आएंगे आने वाले टाइम में. डिफ्रेंशिएशन भी हो सकती है, सो बी प्रिपेयर एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करते हैं, और बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी होती हैं, कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स निकालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी, जस्टिस, वुमेन, एजुकेशन, और इनके कुछ स्पेसिफिक रेडीमेड कोट्स, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स बनाते हैं, विच वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाई मैनी ऑफ द टॉपर्स. बट जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा ऐसे था कि मुझसे रेडीमेड स्टफ़ जो था वो मेन एक्चुअल एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस नहीं होता था. मुझे ऐसा लगता था कि मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, आई एम नॉट इनोवेटिंग एनीथिंग. और शायद दैट वर्क फॉर मी, बट आपके लिए वो भी काम कर सकता है रेडीमेड. उससे ये होता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ गया, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन टाइम मैनेजमेंट का इशू है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि कब कौन सा कब कैसे इंट्रोड्यूस करना है, प्रेशर ले रहे हैं, तो वो रेडीमेड इंट्रोडक्शंस उस टाइम पे काम आ जाती हैं. बट मुझे अच्छा, खुद से अच्छा नहीं लगता था वो लिखना, और मुझे इनोवेट करना अच्छा लगता था. तो मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस लिखने की कोशिश करती थी, एंड एवरी टाइम आई थॉट कि मैं एक अच्छा ही इंट्रोडक्शन लिखती थी. मॉक्स में आई गॉट गुड रिव्यू ऑन माय एसे टॉपिक्स. एसे की कॉपीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में अटैच भी कर दूंगी, जो भी एसे देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे लिखा था वो देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कि कोई भी हम जब एसे लिखते हैं, आप बिगिनर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको ब्रेक कर दें कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कैसे होते हैं, सम कैन बी बिगिनर्स, कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेंस लिखेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो दो तीन बार मेंस लिख रहे हैं बट उनके एसे के मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छे और कभी कम. जनरली मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेंस लिखते हैं उनके एसे के मार्क्स कंपैरेटिवली अच्छे आते हैं जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम मेंस लिखते हैं उसमें. रीज़न बिंग कि फर्स्ट टाइम जो लिखते हैं हम ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं, हम जो फील करते हैं वो लिखते हैं. सेकेंड टाइम हमें लगता है कि हम प्रिपेयर करेंगे तो और अच्छा करेंगे, बट प्रिपेयर करने के चक्कर में हम ओरिजिनलिटी मिस कर देते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इससे का. मुझे ऐसा लगता है इससे जो है वो है ही इसी चीज़ के लिए कि हमारे थॉट प्रोसेस को जान सकें. इतनी ओपन विंडो उन्होंने इसीलिए दी है कि आप जो सोचते हैं वो लिखिए. अगर अच्छे थॉट्स होंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर मैकेनिकल थॉट्स होंगे जो कि फीड किया हुआ है दिमाग में वो निकलेगा, तो वो एक अच्छा आउटपुट निकल के नहीं आता है. इट सीम्स लाइक कि यू आर कॉपी पेस्टिंग, तो उस चीज़ को हमें नहीं करना है. तो अगर कोई बिगिनर है और वो ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा है, आई नो कि ये बहुत ही वैसे वाला सिचुएशन होती है जहाँ पे हम हेजिटेट करते हैं और हमें लगता है कि आज नहीं कल लिखूँगा, कल नहीं परसों लिखूँगी, और वो करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं और हम ऐसे की कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं. बट अगर हम देखें तो ऐसे इज़ वन थिंग जिसमें हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जो कुछ भी हमें पढ़ा है, हमें सिर्फ उसे ऐसे एक कॉपी में लिखना है विद इन 1200 to 1500 वर्ड्स. तो अगर आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए. आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो उस एडिटोरियल या आर्टिकल में से ना कुछ भी समरी लिखने की कोशिश कीजिए. 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, कुछ भी लिखिए. बस जो फियर है ना अपना कि मैं कैसे लिखूँगा इतने वर्ड्स, मैं कैसे लिखूँगी इतने वर्ड्स, उसको दूर कीजिए. इससे आपका फियर भी इम्प्रूव होगा और आपकी जो भी कंटेंट तो इम्प्रूव धीरे धीरे होगा, बट जो आपकी लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी. आपको कैसे फ्लो बनाना है वो इम्प्रूव होगा. दिस शुड बी डन बाय द बिगिनर्स. फॉर रेस्ट मैं अपना एक बता देती हूँ कि जैसे ही मैं कोई ऐसे का टॉपिक पढ़ती हूँ तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहती है. हर कोई टॉपर भी यही सजेस्ट करता है. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ कि मैं एक टॉपिक को ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ. अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ़ इज़ वेन सन इज़ शाइनिंग, ये एक ऐसे था जो मैंने लिखा था, सेकेंड ऐसे था जो मैंने लिखा था इस साल पेपर में. तो द टाइम टू रिपेयर द रूफ़ इज़ वेन सन इज़ शाइनिंग. तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि वाई वी हैव टू रिपेयर द रूफ़ वेन सन इज़ शाइनिंग, एक डायमेंशन ये कवर करते हैं. देन सेकेंड डायमेंशन मैं इसमें ट्राई करूँगी कवर करना कि अगर मैं रूफ़ नहीं रिपेयर करती हूँ वेन सन इज़ शाइनिंग तो क्या कंक्लूजन्स होंगे.
तो एक मैक्रो अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैक्रो टॉपिक ब्रेकेज होना चाहिए कि दीज आर द थ्री पार्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू राइट इन माय एसे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले मैं यही करती थी. सेकेंड थिंग इज़ कि अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ माई एसे विल बी कि टाइम इज़ वेन वी वेन द सन इज़ शाइनिंग. इसके ऊपर लिखना है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. तो इसके ऊपर फिर मैं माइक्रो टॉपिक्स एनालाइज करती थी कि क्या क्या माइक्रो डायमेंशंस में मैं लिख सकती हूँ. आई कैन इंक्लूड रशिया यूक्रेन वॉर, आई कैन इंक्लूड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, आई कैन इंक्लूड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दोज थिंग्स. फिर सेकेंड जो टॉपिक है मेरा, ये मैं एक फ्लो चार्ट्स बना के अपने लास्ट के पेज में रफ टाइप्स में लिखने की कोशिश करती थी. और 15-20 मिनट स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ मैं एक ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगाती थी. द सेकेंड देन अगेन सेकेंड पे मैं माइक्रो लिस्टिंग करती थी कि दिस डायमेंशन आई एम गोइंग टू कवर. ये सब होने के बाद फिर मैं डिसाइड करती थी कि वॉट इज़ गोइंग टू बी माई इंट्रोडक्शन, कि अब मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा. तो इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास होता था कि या तो मैं स्टोरी से स्टार्ट करती थी, विच वॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कि मैं कोई स्टोरी लिखती थी और उससे स्टार्ट करती थी. सेकेंड इज़ कि मैंने एक इनोवेशन करने की कोशिश की थी कि मैं अपने आप खुद से एक पोएम बनाती थी, 5-6 लाइंस की, कपलेट टाइप्स जो होते हैं अपने अपने इनोवेट किए हुए, क्रिएट किए हुए, और फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हुए ऐसे स्टार्ट करती थी. थर्ड अगेन इज़ कि आई थिंक विच आई डोंट नो इफ आई इनोवेटेड इट और मैंने ये कहीं से पढ़ा था, विच इज़ कि मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए बताती थी कि फ्यूचर ऐसा होने वाला है दिस दिस ईयर. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में, इस एसे में, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ वेन सन इज़ शाइनिंग. तो इसमें मेरा एक वन ऑफ द डायमेंशन थी कि मुझे क्लाइमेट चेंज कवर करना है, कि हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज एक्ट करना है, तब नहीं जब हम 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएंगे. तो इसका इंट्रोडक्शन जितना मुझे याद है वो मैंने ये लिखा था कि मैंने एक सिनेरियो बताया था जहाँ पे 2070 की बात हो रही है, और 2070 में दिस पर्सन, एन ओल्ड पर्सन, इज़ टेलिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन कि हमारे टाइम में बहुत पेड़ पौधे होते थे, इतनी गर्मी नहीं होती थी, ये सीजन्स होते थे, वो सीजन्स होते थे. तो चेंज 2070 इज़ गोइंग टू बी दैट मच चेंज्ड अगर हम आज एक्शन नहीं लेंगे. तो ये ऐसी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शंस मैं लाने की कोशिश करती थी. द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट आई डिसाइडेड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माय एसे इज़ कि मैं हर एक माइक्रो टॉपिक में कितने कितने पेजेस कवर करूँगी. मैक्रो का डिसाइड कर लेती थी कि मैक्रो टॉपिक्स में मैं 3 पेज इस टॉपिक में लूँगी, 3 पेज इसमें, 3 पेज इसमें, ऐसे करके ब्रॉड डिविजन्स कर देती थी अपने पेजेस की, ताकि स्पेस मिसमैनेजमेंट और टाइम मिसमैनेजमेंट ना हो. ये सारी बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो कि हमें प्रैक्टिस से आएंगी. प्रैक्टिस मीन्स दैट नॉट नेसेसरीली आपको 10-12 एसेज लिखने हैं, 15-20 एसेज लिखने हैं. आपको तब तक एसेज लिखने हैं जब तक आपको खुद के एसे पढ़ के ये ना लगे कि येस आई हैव रिटन अ गुड आंसर, गुड एसे. सो मैंने इस साल अप्रॉक्सीमेटली प्रिलिम्स और मेंस के बीच में 12 एसेज लिखे थे. इसके अलावा भी मैं, ज़रूरी नहीं है कि इस बार मेंस लिख रही थी तो पहली बार एसेज लिखना स्टार्ट किया था. मैं पहले भी हर संडे टू संडे कोशिश करती थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे लिखूं विच आई सिलेक्टेड द टॉपिक्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स. अब जो एक सिंपल टेक्निक्स होती हैं कि कोट्स मेंशन करने हैं बीच में, तो मैं भी करती थी, बट ऐसे अब्रप्टली नहीं कि कहीं पर भी मैंने कोट मेंशन कर दिया जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो कोट मेंशन करना. जनरली आई ट्राई टू राइट कोट इन दी एंड कि एट दी एंड दिस इज़ वॉट आई मेंट बाय द होल एसे. उस कोट पे एंड कर देती थी, दिस दैट्स हाउ आई कंक्लूडेड माई एसेज मोस्ट ऑफ द टाइम. देन अगेन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी हम ऐसे कोट्स और रेडीमेड स्टफ से लिखना शुरू करते हैं ना, तो हमारा एक पर्सनल अप्रोच ख़त्म हो जाती है एसे के लिए. वी टेंड टू बी मोर एंड मोर मकैनिकल. तो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव आना इससे में ज़रूरी है कि अगर आप इस एसे पे लिख रहे हो द टाइम टू रिपेयर द रूफ़ इज़ व्हेन सन इज़ शाइनिंग, देन इट शुड बी योर पर्सपेक्टिव. इट शुड नॉट बी समथिंग विच जो आपने स्पून फीड किया हुआ है, जो हर कोई लिखेगा. और उस टाइम पे एसे में बैठ के ना ऐसा लगना भी नहीं चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे से आगे वाला बंदा क्या लिख रहा है और मेरे से पीछे वाला बंदा क्या लिख रहा है. जस्ट थिंक ऑफ योर एसे कि आप उसमें क्या अच्छा करेंगे और क्या नहीं करेंगे. अगेन बीच बीच में मैं आई ट्राइड टू डू इज़ कि मैं सेल्फ रिटन लाइन्स लिखती थी, कि कुछ कुछ डबल कोट्स में मैंने 2-3 लाइन्स लिखती.
जो ये टेक्निक्स होती हैं कि पेस्टल टेक्निक यूज़ करनी है या स्टेपल टेक्निक यूज़ करनी है, ये थोड़ी सी बहुत कन्वेंशनल हो गई हैं, इसमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो अपने न्यू आइडियाज़ लेके आइए और न्यू इनोवेशन कीजिए थोड़ा सा अपने आंसर्स में। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऑप्शनल की जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ नॉलेज, वो थोड़ा बाहर रखिए और वो एस्से में मत लेके जाइए। एस्से ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर पढ़ेगा तो उसे एस्से में उतना ही इंटरेस्ट आए जितना कि एक एग्जामिनर को आएगा। सो इसको एक बहुत सिंपल तरीके से रख के आप अगर स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे तो वो हो जाएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये धीरे धीरे आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, इट विल नॉट कम इन वन डे। तो एस्से को टाइम दीजिए और एस्से कैन स्कोर यू गुड मार्क्स एंड अ गुड रैंक टू। सो आई एम अटैचिंग माय एस्से की कॉपीज विद यू। इफ़ एनीथिंग यू वांट टू नो एंड यू वांट टू आस्क मी दैट हाउ आई शुड अप्रोच दिस, देन आई एम ऑल्सो अटैचिंग माई टेलीग्राम लिंक विद यू। आप में से टेलीग्राम पर कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप उस पर भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। फॉर एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू टू द DKT टीम हु हैज गिवन मी दिस चांस टू डिस्कस माई एस्से स्ट्रैटेजी। थैंक यू टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट टू यू।